राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश स्वर्गीय कल्याण सिंह की प्रथम पुण्यतिथि सिद्धार्थनगर जिले में श्रद्धा के साथ मनाई गई। जनपद मुख्यालय के लोहिया कला भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा, सदर विधायक श्याम धनी राही, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह सहित वरिष्ठ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए वक्ताओं ने स्वर्गीय कल्याण सिंह के जीवन पर चर्चा करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज मुख्यमंत्री योगी जी ने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण लखनऊ में किया है। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु विधानसभा में भी अगले पुण्यतिथि तक कल्याण सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और इसका अनावरण मुख्यमंत्री जी द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी हिंदुत्व और समर्पण के प्रतीक थे। उनके पद चिन्हों पर चलने का आज हर किसी ने संकल्प लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में प्रतिमा का अनावरण किया है तो सिद्धार्थनगर जनपद में हमारे कपिलवस्तु के विधायक जी ने भी कह दिया है कि अगली पुण्यतिथि तक हम लोग चाहे मुख्यमंत्री जी को चाहे किसी और को बुला करके सिद्धार्थनगर में भी कल्याण सिंह जी के प्रतिमा का अनावरण करेंगे। चूँकि कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि एक संकल्प की तिथि है राष्ट्रीयता एवं हिंदुत्व के लिए। यह कार्यक्रम पहली पुण्यतिथि पे जिस प्रकार यहाँ की जनता इतने बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुई है, हम आयोजन समिति के लोगों को भी आपके माध्यम से भी धन्यवाद देते हैं और यह भी कहते हैं कि कल्याण सिंह जी ने जो कार्य प्रारंभ किया था उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प की आवश्यकता है और आज सारे लोगों ने संकल्प लिया है कि उनकी विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।